मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आशा सहयोगिनी और एएनएम की बैठक आयोजन सोमवार को किया गया। सीएमएचओ डॉ. चंद्रशेखर गजराज के निर्देशन में खंड बाड़मेर की पीएचसी मीचड़ा सनावड़ा भादरेश की आसएम एएनएम की बैठक आयोजन बीसीएमओ डॉ. संतोष माहेश्वरी और जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में एएनएम और आशाओं को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यों को गंभीरता के साथ करने और तय समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति हर गांव, गली व मोहल्ले तक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से चिरंजीवी ग्राम व वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आमजन में जानकारी योजना से अधिक लाभार्थियों को पंजीयन करने के लिए सीएमएचओ डॉक्टर चंद्रशेखर गजराज के निर्देशन में खंड बाड़मेर के पीएचसी मीठड़ा सनावड़ा भादरेश की आशा एवं एएनएम की बैठक आयोजन बीसीएमओ डॉक्टर संतोष माहेश्वरी जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में डॉक्टर अरुण महेश्वरी ने कहा कि आशा सहयोगिनी अपने समुदाय में आम जन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। कार्य क्षेत्र में अति कुपोषित बच्चों एवं अनियमित महिलाओं की पहचान कर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पाबंद किया गया। साथ ही समुदाय में गर्भवती महिलाओं की पहचान कर अनिवार्य रूप से 12 सप्ताह के भीतर ANC करवाए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आशा इस बात का विशेष ध्यान दे कि उसके कार्य क्षेत्र में एक भी गर्भवती महिला बिना ANC पंजीकरण से वंचित न रहने दे। बैठक के दौरान जिला आशा समन्वयक राकेश भाटी ने आशा कार्यक्रम के बिंदुवार समीक्षा करते हुए मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, HBNC, HBYEC, टीकाकरण, परिवार कल्याण सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आशा सहयोगिनियों के योगदान की संस्थावार डेटा की समीक्षा की। ग्रामीण जो एरिया हमारा ब्लॉक ऑफिस उसके अधीनस्थ आने वाली सनावड़ा भादरेश और मीठड़ा की आशा सहयोगिनी एएनएम की ब्लॉक स्तरीय बैठक रखी गई है। इसमें हमारे स्वास्थ्य गतिविधियां उनके ऊपर समीक्षा भी की जा रही है। साथ ही इसके साथ जो 2 अक्टूबर से जो कल से मुख्यमंत्री चिरंजीवी ग्राम सभा आयोजित की जा रही है उसी के तहत भी इनको जागरूक किया जा रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में निश्चित रूप से जोड़ा जाए। अगर कोई भी परिवार छूट जाता है या किसी कारण से छूट जाता है उसकी सूची बनाने के लिए सर्वे फॉर्मेट भी इनको दिया गया है। ये सर्वे करेगी 9 तारीख तक, उसके बाद ये उसमें निश्चित रूप से इनको जोड़ने का कार्य करेगी। साथ ही हम आज इन बैठक के दौरान गर्भवती महिलाओं के ऊपर, डिलीवरी के दौरान, प्रसव पश्चात, HBNC आदि सारी चीजों के ऊपर समीक्षा की जा रही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से अधिक लाभार्थियों को पंजीयन करने के निर्देशित किया गया एवं आमजन को अधिक से अधिक फायदा दिलवाने की बात कही गई। बैठक में BNO कौशिक जोशी ने PCTS पर समय पर रिपोर्ट इंदराज करने की जानकारी दी। खंड लेखाकार सत्यप्रकाश सोनी ने आशाओं को पाबंद किया कि माह जून, जुलाई एवं अगस्त की उपस्थिति कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।